हेलो बच्चों तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास टेंथ ट्राइंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और क्वेश्चन नंबर टेंथ को

शो डैट हमें क्या प्रूव करना है ए पान बीओ इज इक्वल टू सीओ पान डीओ एओ अपान बीओ इज इक्वल टू सीओ अपानी ओ तो करते हैं स्टार्ट अरेज कर लेते हैं इस फिगर को हमने साइड पे फिगर बनाई हुई है तो स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे गिवन गिवन में लिखा है जिसमें हमें ए बी और डी सी हमें क्या दी हुई है पैरल साइड दी हुई है एंड डाइनल इंटरसेट एट पॉइंट ओ आपको दिख रहा होगा ओ पॉइंट पे इंटरसेट कर रहे हैं है. क्या प्रूव करना है प्रूव करना है ए ओ एन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ पॉन डी ओ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम पॉइंट ओ हम एक लाइन ड्रा करेंगे ओ ई e, आपको दिख रहा होगा ओ ई विच इज पैरल टू ए बी सबसे पहले हम लाइन यहां पे लिखेंगे ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी ठीक है स्टूडेंट्स हमने क्या किया ओ ई पैरल ड्रा की ए बी के और हमें मालूम है ए बी किसके पैरल है डी सी के तो पैरल टू डी सी पैल टू डी सी ओ ई हमने ए बी के पैरल ड्रा की है खुद से और हमें मालूम है ए बी किसके पैरल है ए बी पैदल है डी सी के इट मीन्स ओ ई ए बी एंड सी डी डी सी तीनों आपस में क्या होंगी पैरल लाइन्स हो गई हैं स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ प्रूफ सबसे तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी अब ध्यान से ए डी बी ट्राइंगल को देखें स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल ए डी बी साइड में पे, यहां पर पे, पे बना रहा हूं यहां पे हमारे पास ए यहां पे है डी और यहां पे है बी यहां पे है ओ और यहां पे हमारे पास ई e. ठीक है स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए डी बी में हमें मालूम है ओ ई e, जो है वो ए बी के क्या है पैरल है अभी अभी हमने ड्रॉ किया ओ ई इज पैरल टू ए बी ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है जब भी एक लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरल होती है तब क्या होता है अदर टू साइड्स आर डिड इन द सेम रेशियो इट मीन ए पान ईडीज इक्वल टू बी ओ पान डी ओ होगा तो लिख लेते हैं हम हमारे यहाँ पे देखो एन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ इसको मान लेंगे फर्स्ट क्यों आया स्टूडेंट्स बिकॉज बाय बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम तो यही कहती है बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम एक लाइन जब भी ट्राइंगल के एक साइड के पैरल होगी तो अदर टू साइड डिवाइड होती हैं सेम रेशियो में ठीक है स्टूडेंट्स अब हम ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी तो स्टूडेंट्स अब हमने ए डी सी ट्राइंगल ले ली तो मैं यहां पर आप बना बना देता हूं ए डी सी ट्राइंगल कौन सी है हमारी मेन फिगर में इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ए डी और सी यहां पर देख लो आपको ए डी सी वाली ट्राइंगल हमने ली है तो यहां पे हमारे पास है ओ और यहां पे हमारे पास ई e. हमें मालूम है स्टूडेंट्स यहाँ पे ओ ई e, जो है वो पैरल है डी सी के ठीक है स्टूडेंट्स सी तीनों आपस में पैरल है ना ओई पैनल टू डी सी अगर ओ ई डी सी के पैनल है तो क्या होगा ए ई पान ईडी इक्वल होगा ए ओ पान सी ओ के इक्वल लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा ए ई पान ईडी इज इक्वल टू ए पान सी ओ इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन और ये भी क्यों आएगा बाय बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है स्टूडेंट्स अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखो और इक्वेशन नंबर सेकंड को ध्यान से देखो यहाँ पे एल एच बिल्कुल सेम है तो आर एच भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो मैं लिख देता हूँ यहां पे फ्राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आर में क्या यहां पे बी ओ अपान डी ओ इज इक्वल टू एओ अपान सीओ ठीक है स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखें कि हमें प्रूव यही करना था नहीं 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 हमें प्रूव करना था एओ अपान बीओ एओ के नीचे बीओ था तो एओ के नीचे यहाँ पे ए आपको दिख रहा होगा ए के नीचे बी ओ था तो मैं क्या करूंगा अगर इस बी ओ को मैं यहां पे लेके आऊंगा और सीओ को यहां पे लेके आऊंगा तो क्या होता है इस तरह से करने से सीओ को यहां लेके आओ सी ओ अपन डी ओ इज इक्वल टू ए को लेके आओ नीचे तो बी ओ अब ध्यान से देखो क्या हमें हाँ यही प्रूव करना था डी ओ इज इक्वल टू ए ओ पान बी ओ सीओ अपान डी ओ इज इक्वल टू ए ओ पान बी ओ बिल्कुल सही इट मीन हमने ये प्रूफ कर लिया तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमारा हो गया है कंप्लीट अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेंथ को टेंथ की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ तो हमें ए बी सी डी केस में हमें क्या दी हुई है ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल और डायगनल कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है शो डैट ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स ए बी सी डी इज अ ट्रैपीजियम ट्रैपीजियम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा हमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरल प्रूव करना होगा इट मीन्स हमें प्रूव करना होगा ए बी पैरल टू डी सी अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरल हो गया तो मैं कह सकता हूं ए बी सी डी एक ट्रेपिज़ियम हो गई है तो मैंने गिवन में यहां पे लिखा हुआ ए बी सी गिवन है प्रूव क्या करना है एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव, प्रूव करना पड़ेगा इट मींस ए बी पैरेलल टू डी सी हमें प्रूव करना है तो थोड़ी सी कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ ओ ई ड्रॉ ओ पैरल टू ए बी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ड्रॉ ओ ई पैरल टू ए बी बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ए बी और डी सी ये भी पैरल थे इसलिए ये तीनों लाइनें पैरल हो गई थी अब ऐसा नहीं होगा अब सिर्फ ओ ई पैरल रहेगी ए बी के क्योंकि ए बी डीसी के पैरल नहीं दी हुई है हमें प्रूव करना है ए बी डी सी के पैरल प्रूव करना होगा तो ओ ई e को हमने ड्रा किया ए बी के पैरल तो कौन सी ट्राइंगल में ये आ रहे हैं ओ ई e और ए बी ये आ रहे हैं इन ट्राइंगल ए डी बी ए डी बी में क्या है स्टूडेंट्स ओ ई पैरल टू ए बी आपको दिख रहा होगा ए डी बी इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स इस ट्रैंगल में स्टूडेंट्स क्या है ओ ई e और ए बी के पैरल हमें हमने अभी कंस्ट्रक्शन से किया ओ ई ए बी के पैरेलल है अगर ओ बी ए बी के पैरेलल है तो क्या होगा ए ई पान ई डी इक्वल होगा बी ओ पान डी ओ के तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ई पान ई डी इज इक्वल टू बी ओ पान डी ओ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मान लेते हैं इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम क्या करें स्टूडेंट्स पीछे वाले क्वेश्चन है तो हमने ए डी सी ट्राइंगल ले लिया था क्योंकि वहां पे ए ई e और ओ ई e और डी सी बी पैदल थी अब ऐसा नहीं करना है अब हम क्या करेंगे एक इक्वेशन बनाएंगे हम गिवन से तो स्टूडेंट्स हमें गिवन में भी कुछ दिया हुआ है लिख देते हैं नाउ जो गिवन दिया था वो वो लिख लेते हैं ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ पान डी ओ ये तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स ठीक है अब न्यूमिनेटर में देखो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में यहाँ पे बी ओ पान डी ओ आ रहा है क्या हम क्या हम इसको भी बी ओपन डीओ बना सकते हैं अगर मैं इस बीओ को आर एच एस में लेके जाऊं और सीओ को नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा ए ओ अपान नीचे सीओ आ गया यहां पे, इस इक्वल टू, इस बीओ को वहां लेके जाओ तो ये हो गया बीओ पान डी ओ ठीक है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को मान लो आप सेकेंड इक्वेशन अब देखो आरएचएस आर एच एस फर्स्ट इक्वेशन की आर एच एस और सेकंडन की आर एच एस होगी बिल्कुल सेम सेम तो एल एच एस एल एस भी सेम सेम हो जाएगी तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर एच एस सेम तो एल एच एस भी ए पान ई डी इज इक्वल टू ए ओ पान सी ओ आप देखते हैं फिगर की ओर ए ई पान ईडी स्टूडेंट्स ए ई वाली साइड है ए ई ये, ये वाली साइड है और ईडी वाली साइड है ए ई पान इक्वल टू ए ओ ए वाली साइड है ए ओ अपान सी ओ सी ओ ये वाली साइड है तो स्टूडेंट्स आपने कन्वर्स बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी अगर टू ट्राइंगल्स अगर दो साइड्स की रेशियो सेम होती है तो लाइन्स क्या होती है पैरल इट मीन्स देअर फोर ओ ई पैल टू डी सी ठीक है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे ए e, और ई e, डी की रेशो जो है वही ए ओ और ओ सी की रेशो है ठीक है स्टूडेंट इस ट्राइंगल में आपको दिख रही होगी ये वो ट्रा में तो अगर दो ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशो सेम है तो लाइंस क्या होती है पैरल तो मैं लिख सकता हूँ ओ ई e, डी सी के पैरल है तो स्टूडेंट्स ठीक है ओ ई डी सी के पैरल हो गया बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो स्टूडेंट्स गिवन में भी तो हमारे पास था हमारे पास ओ ई किसके पैरल हो गया ओ ई डीसी के पैल हो गया और बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था ओई पैरल ड्रा किया था ए बी के ठीक है स्टूडेंट्स ओ ई किसके पैल ड्रा किया था हमने ओ ई ए बी के हमने पैरल ड्रा किया था अब देख लें ओ ई डीसी के भी पैरल है ओई ए बी की भी पैरल है तो क्या हो जाएगा देअर फोर ए बी पैरल टू डी सी तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें ए ए बी और डी सी आपस में क्या हो गई पैरल हो गई तो मैं लिख सकता हूं देयर फोर ए बी सी डी इज आ पीजियम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरल देन एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम तो हमने यहाँ पे